गांव की पृष्ठभूमि से थे, मतलब गांव के लोगों का ही वे पूर्ण रूप से देखते थे, काम करते थे, उनकी समस्याओं को समझते थे, क्योंकि वो उनको विरासत में मिला गांव, और गांव के लोगों को नुकसान होगा, किसानों को ऐसे लेकर गए हैं तो उनको नुकसान होता है, तो गांव के भूमिहीन लोग होते हैं उनको नुकसान होता है कि इस तरह के जो लीडर हैं जो ग्रोस ग्रोस से जुड़े रहते हैं, गांव से जुड़े रहते हैं, तो खास करके किसान और मजदूर को नुकसान इनसे होगा, और इस तरह के बहुत कम लोग हैं कि जो उस ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, जो उस विचारधारा से हैं, जो काम करते थे, तो बड़ा नुकसान किसानों को होगा। और हमारा अनुभव उनसे जब से वे शुरू से उस माह 87 से चौधरी चरण सिंह जी के बाद में तब से रहा है, तो हमेशा क्योंकि विरासत में उनको ये मिली थी और गांव ही उनको मिले विरासत में, और उन्हें हमेशा खेती किसानी की रुचि लोगों के बीच में रहे, उन्हीं की उन्होंने बात करी, तो बड़ा नुकसान हुआ है। लोगों को ही बात करते थे कि किसानों का कैसे भला हो, कैसे उनका सुधार हो, और मेनली ये था कि भाव किसानों को मिलना चाहिए, भाव मिल जाएगा, पैसे दो पैसे उसके पास में आएंगे तो विकास अपने आप कर लगा। उनका ये था कि गांव में एग्रीकल्चर पे उस पर काम हो, यूनिवर्सिटियां हैं भी अपना काम करें, तो वो ज्यादा उनका रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे भी थे और टेक्नोलॉजी पे भी काम करना चाहते थे कि गाँव में भी बढ़िया ट्रैक्टर हो, बढ़िया खेती हो, मशीनरी हो, और उनसे किसानों को लाभ हो, क्योंकि बाहर से सीख का है सारी चीजें, तो उन पे भी बड़ा उनका एक्सपीरियंस रहा है। वे यहाँ पे भी जैसे धरना यहाँ पे भी चला हुआ है, तो यहाँ पे भी आए, और 2018 में जब यहाँ पे लाठीचार्ज हुआ तो उस टाइम पे भी यहाँ पे भी आए, और जहाँ जहाँ पे भी संघर्ष हुआ तो वे लोग गए वहाँ पे, और हमेशा गाँव के लोगों की बात करना तो है, उनकी विचारधारा में था पूर्ण रूप से, और जहाँ पर संघर्ष होता था खास करके किसी ग्रामीण उसमें, तो वहाँ पे भी आते थे, खड़े रहते थे, हमेशा साथ में खड़े रहते थे वे।